दोस्तों आपने अक्सर इस बात को सुना होगा, आम लोग ये बोलते हैं कि फलाह व्यक्ति के पेट में पानी भर गया है, या फिर वो ज़्यादा शराब का सेवन कर रहे थे जिसके वजह से उनका लीवर सूज गया है, या फिर आम लोग ये भी बोलते हैं कि उसके पेट में ही पानी भर गया था, देखो उसका पेट कितना ज़्यादा फूल गया है, लग रहा है ज़्यादा शराब पी रहा है। तो आज इस चीज़ पे हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानकारी लेने वाले हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, अगर हो भी गया इसमें कौन सा जांच करवाया जा सकता है, क्या इसमें मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो ये पूरी जानकारी आपको ये वीडियो अंत तक देखने पे पूरी जानकारी सही से प्राप्त होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सी एम यादव, स्वागत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेडिकल टर्म में इसे एसाइटस बोला जाता है और आमजन इसे कहते हैं पेट में पानी भर गया है। अब हम जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। नंबर वन फैक्टर आता है लीवर। लीवर तभी डैमेज होगा जब वो व्यक्ति अल्कोहलिक है, ज़्यादा से ज़्यादा शराब का सेवन कर रहा है। 84% केसेस में यही देखा गया है। दूसरा हो सकता है कि ज़्यादा दवा का सेवन करने के वजह से भी लीवर टॉक्सिफिकेशन हो गया है, और भी इसके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन नंबर वन आपका रीज़न लीवर भी इसमें होता है। अब दूसरा फैक्टर बात करते हैं जो दोस्तों, तो पैनिक्रियाज, पेनिक्रियाज ग्लैंड होते हैं, वहाँ से क्या होता है कि छोटे छोटे डक्ट पाइप लाइक आ रहते हैं, उस पाइप के अंदर छेदा हो जाता है, परफोरेशन, तो वहाँ से फ्लूड रिसना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो आपके आके एब्डोमेन के चारों तरफ फ्लूड धीरे धीरे एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है। तीसरा अगर हम लोग फैक्टर बात करें दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि जो पेरिटोनियम है उसमें ही इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर उधर ट्यूमर बन सकता है, या फिर वहाँ पे कैंसर भी हो सकता है। पेरिटोनाइटिस इन्फेक्शन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस ट्यूमर हो सकता है, या फिर पेरिटोनाइटिस कैंसर भी हो सकता है। ये तीनों फैक्टर इसमें देखे गए हैं। अब बात करते हैं कि ये सब तो हो गया है, इसके पीछे कॉज भी समझ में आ गया है, तो आप फ्लूइड को निकालते कैसे हैं। देखिए दोस्तों, ये फिजिशियन का ही काम होता है, आपके डॉक्टर्स का काम होता है इसे निकालना। इस प्रोसेस को पैरासेंटेसिस बोलते हैं। एक निडिल या कैनुला लेते हैं और आपका जो नाभि होता है उसके ठीक नीचे से और आपके लेफ्ट साइड से एक परफोरेशन करते हैं छोटा सा, बहुत लोग उसको एनेस्थेसिया देके भी करते हैं या नॉर्मल भी किया जा सकता है, फिर पाइप के माध्यम से उसको बाहर निकालते हैं। ये सब प्रोसेस क्लिनिकल प्रोसेस होता है। फिर उसको निकालने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, निकालने के बाद उस फ्लूइड को सबसे पहले आपका डॉक्टर देखता है कि उसका रंग कैसा है। वो रंग से ही 80% 70% मालूम हो जाता है कि इसको कौन सा रोग के वजह से हो रहा है। पानी जमा होना पेट में बड़ी बात नहीं है, जिस वजह से पानी जमा हो रहा है उस वजह को पकड़ के उसको ठीक करना ही यही कला कहलाता है। तो उस पानी को देखा जाता है, उस पानी का देखिए 2 से 3 रंग देखा गया है प्रमुखता से, मेन लेवल। पहला जो रंग उसका देखा गया कि वो टर्बिड ब्लू फ्लूइड कलर का हो जाता है। टर्बिड मतलब क्या है कि हल्का पीला और हल्का मिट्टी कलर भी उसमें होता है, हल्का ब्राउनिश कलर भी होता है, दोनों का मिक्स होता है, टर्बिड कलर हो जाता है, धुंधला टाइप का होता है। तो उसके उसमें एनालिसिस किया जाता है, तो उसमें अगर ऐसा कलर है तो कहीं ना कहीं डायग्नोसिस बढ़ता है कि इसको इन्फेक्शन हो सकता है या फिर ट्यूमर सेल्स भी इसमें आ सकते हैं। अगर वो एकदम काला है तो उसको यहाँ पर डायग्नोसिस जा सकता है कि इसको पैनिक्रियाटिक नेक्रोसिस हो सकता है, या फिर अगर वो फ्लूइड मिल्की कलर है, सफ़ेद कलर है, तो इसमें इसको चाइलस एसाइटस बोलते हैं, तो इसमें एल्बुमिन आ रहा है या फिर ट्राइग्लिसराइड का लेवल आ रहा है, ये सब भी इसमें देखा जाता है। और अगर डार्क ब्राउन है या फिर पीला कलर का आ रहा है तो उसमें बिलीरुबिन भी एक फैक्टर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जाँच क्या क्या होता है। पहला नंबर वन जो जांच है वो तो USG ही होता है, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या CT स्कैन भी करवाया जा सकता है। उसके बाद CBC लेवल देखते हैं और ESR देखते हैं कि इन्फेक्शन लेवल है क्या है, CRP भी देखा जा सकता है, और जो फ्लूइड निकला है उसका एनालिसिस जरूरी होता है कि उसमें प्रोटीन निकल के आया है या फिर पेनिक्रियाज के एंजाइम्स उसमें निकल के आए हैं या फिर उसमें ट्यूमर सेल्स निकल के आए हैं या फिर उसमें हो सकता है कि कैंसरस सेल भी आ सकते हैं। ये सारा का सारा फैक्टर्स आपके लैब टेक्नीशियन इसको बायोएनालिसिस के माध्यम से जांच करके आपको बता सकते हैं। और बात करें तो इसमें LFT भी करवाया जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट भी होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका मैनेजमेंट क्या है। तो नंबर वन मैनेजमेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ
वो है कि सोडियम रिटेंशन इसका नंबर वन है। आप नमक कम से कम खाइए। शराब का सेवन कोई कर रहा है तो उन्हें जितना जल्दी हो सके रोक दीजिए, इससे पहले पूरा लीवर डैमेज हो जाए। थर्ड होता है इसमें डायबिटिक का इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर इन्फेक्शन की वजह से है तो इसमें एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका फिजिशियन ही तय करेगा कि क्या इस्तेमाल करना है। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा मुझको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ में इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप अपने आप को माध्यम बना के औरों को एजुकेट करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। वीडियो के साथ फिर से मैं मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।